नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। रेलवे ने जारी किए बेहद अहम वीडियो, हर यात्रियों को मिलेगा फायदा। हमारे देश की रेल सेवा भारतीय रेलवे दिन ब दिन बदलती जा रही है। पहले के समय में रेलवे में काफ़ी कमियां होने की वजह से हर आम आदमी को कई तरह की दिक्कतें पेश आती थी, लेकिन अब रेलवे अपनी नई नई सेवाओं को शुरू कर रही है, जिस वजह से हर रेल यात्री को आने वाले समय में फ़ायदा होने वाला है। इस वीडियो में आगे आप देखेंगे कि रेलवे द्वारा जारी किए गए दो अलग अलग वीडियो है, जिसमें एक वीडियो महिला यात्री की सुरक्षा के संबंध में है तो दूसरा वीडियो रेलवे प्रवास के दौरान माल सामान चोरी होने के संबंध में है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें ताकि हर देशवासी तक ये अहम जानकारी पहुंच पाए। देखिए रेलवे के जारी किए गए वीडियो। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। सुनीता, आई एम सॉरी। सुनीता, अगर ऑफिस से छुट्टी मिलती तो मैं तुम्हारे साथ जरूर आता, पर क्या करूं, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं अपना ख्याल रखूंगी। वो तो मैं जानता हूं, लेकिन पहली बार तुम ट्रेन से अकेले ट्रैवल कर रही हो तो टेंशन तो होगी ना। नमस्ते सुनीता जी। नमस्ते। क्या आप अकेले सफर कर रहे हो? जी हाँ। देखिए सर, अब आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पूरी यात्रा के दौरान अब आपकी पत्नी का ख्याल उनकी सहेली रखेगी। मेरी सहेली? जी हाँ, मेरी सहेली। आरपीएफ के सहयोग से मेरी सहेली अभियान चलाया जा रहा है। मेरी सहेली अभियान शुरू करने का उद्देश्य ट्रेन सफर के दौरान महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को लगाम लगाना है, खास करके अकेली सफर करने वाली महिलाएं। महिला आरपीएफ सफर के दौरान महिलाओं को जागरूक करेंगी और उनकी सुरक्षा में लगी रहेंगी और वक्त वक्त पे उनकी सुरक्षा का संज्ञान भी लेती रहेंगी। यात्रा के अंत में महिला आरपीएफ आपकी प्रतिक्रिया के लिए आपसे संपर्क करेंगी। इसके अलावा ट्रेन में सफर के दौरान अगर कोई और परेशानी हो तो रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करें। नमस्ते सुनीता जी, उम्मीद करती हूँ आपका सफर सुखमय और सुरक्षित रहा होगा। सच कहूँ तो पूरे सफर में मैंने अपने आप को बहुत ही सेफ फील किया है, लगा ही नहीं मैं अकेली हूँ। थैंक यू, आप सबका बहुत धन्यवाद। और हाँ, मेरी सहेली का भी। सावधान रहे, सुरक्षित रहे। अरे, मेरा बैग कहाँ गया? भाई साहब, मेरा रेड बैग। भाई साहब, आपने मेरा बैग देखा? नहीं तो। लाल कलर का था, यही पर तो था, किसी ने चुराया तो नहीं? अरे, लाल कलर का बैग? हाँ हाँ, वो जो आपके पास से बैठा था वो लेकर चला गया। तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? कमाल है, मुझे कैसे पता होगा कि आपकी बैग है वो। भाई साहब, जरा ध्यान रखिए, मैं वो असली जगह था। अरे रुको, अरे रुको, ट्रेन रुको, ट्रेन रुको, रुकिए। सर सर, मेरा बैग चोरी हो गया, मेरा बैग चोरी हो गया सर। शांत रहिए, घबराइए मत, आइए बैठिए। आरपीएफ ने सभी यात्रियों के लिए FIR दर्ज कराने का सरल और तेज तरीका उपलब्ध करवाया है। अब आपको चलती ट्रेन को रोकने की अथवा अपने सफर को बीच में छोड़कर FIR दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं। आप अपने ट्रेन के कोच अटेंडेंट, कंडक्टर, गार्ड, ट्रेन में स्थित RPF, GRP स्टाफ अथवा टिकट चेकर के पास FIR दर्ज करने का फॉर्म मांग सकते हैं। किसी भी GRP पुलिस स्टेशन में आप अपना FIR दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्य स्टेशन के RPF पोस्ट या आउटपोस्ट में भी FIR दर्ज करने का फॉर्म उपलब्ध है। डाका, चोरी, धोखाधड़ी या फिर किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला हो, यात्रियों से अनुरोध है
कि वो तुरंत अपना FIR फॉर्म विस्तार में भरकर जमा करे, जिससे हमें अपराधी के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। और हाँ, किसी भी इमरजेंसी के लिए रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क कर सकते हैं। याद रखिए, सतर्कता ही समझदारी है। सावधान रहे, सुरक्षित रहे। RPF और मध्य रेल द्वारा जनहित में जारी। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।